नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब दे इस चैनल विच तुहाडा सब दा स्वागत है। अज मैं तुहाडे नाल कुछ कंप्यूटर दे क्वेश्चन डिस्कस करन जा रहा हां। इस विच ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए ने जो पुराने हो चुके पंजाब दे जिन्ने भी कंपीटेटिव एग्जाम हुए ने उन्हां विच पूछे जा चुके ने ते आने वाले एग्जाम दे विच आउण दी संभावना है। तो आपां शुरू करदे हां जी अज दे क्वेश्चन तों। सब तो पहला क्वेश्चन है जी, इन एच टी टी पी एस द लैटर एस स्टैंड फॉर, एच टी टी पी एस दे विच एस दा की मतलब है, स्टैंडर्ड, सिक्योर, सिंपल या स्मार्ट। तो इसका आंसर है जी सिक्योर। एच टी टी पी एस की है जी, एच टी टी पी एस इज ए सिक्योर वर्जन ऑफ एच टी टी पी। एच टी टी पी का पूरा फुल फॉर्म है जी हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरीके का अजिहा प्रोटोकॉल है जिहदे नाल डाटा जदों ब्राउज़र तो वैबसाइट के उपर सेंड किया जाता है या वैबसाइट तो ब्राउज़र के उपर सेंड किया जाता है तो वह सिक्योर हो जाता है। सैकेंड क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फास्टैसट मैमरी, इन्हां विचों सब तो तेज़ मैमरी केड़ी है। तो आप सबनों पता जी इन्हां विचों सब तो तेज़ मैमरी है जी कैच मैमरी। कैच मैमरी इट इज़ इंटीग्रेटेड डायरैक्टली विद सी पी यू, यह सी पी यू के बिल्कुल नाल होंदी है जां अलग तो किसी एक चिप के उपर इसनू माउंट किया जाता है लगाया जाता है तो सब तो फास्टैसट मैमरी है जी कैच मैमरी। थर्ड क्वेश्चन है जी, आई पी वी सिक्स एड्रैस इज ऑफ, आई पी वी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्स एड्रैस दे विच किन्नियां बिट्स होंदियां ने जी। तो इसका आंसर है जी 128 बिट्स। एक और होंदा जी एड्रैस आई पी वी फोर, उस दे विच 32 बिट्स होंदियां ने जी। द की कंट्रोल प्लस F12 ओपन जी, कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की किस लिए वरती जाती है? तो इसका आंसर है जी ओपन डायलॉग बॉक्स। अपने जो डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो तुसी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस F12 या कंट्रोल O। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉलिजन डोमेन इन ए नैटवर्क इज़ डिवाइडेड बाय यूजिंग, नैटवर्क नू एक नैटवर्क दे विच कॉलिजन डोमेन नू किस तरीके नाल किस डिवाइस नाल डिवाइड किया जाता है? तो इसका आंसर है जी स्विच। स्विच की करता है जी पूरे नैटवर्क नू छोटे छोटे सैगमेंट्स दे विच डिवाइड कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरनेट टर्मीनोलॉजी दे विच SSL दा की मतलब है, SSL दी फुल फॉर्म की है? SSL की है जी, इट इज़ ए स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर एस्टैबलिशिंग एनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन वैब ब्राउजर एंड ब्राउजर। तो इसकी फुल फॉर्म है जी सिक्योर सॉकेट लेयर। DTP स्टैंड फॉर, DTP का की मतलब है जी? DTP का मतलब है जी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये की है DTP, एक तरीके की एप्लीकेशन है, यह एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसकी वरतों की जाती है जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जिस तरीके न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन जिदे विच पहला तो लेआउट हुंदी है आपां अपने कंटेंट नू इंसर्ट करके अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, MS वर्ड दे विच हैडर आर विजिबल इन, हैडर कित्थे दिखाई दिंदे ने जी? इहदा सही आंसर है जी प्रिंट लेआउट व्यू। नौवां क्वेश्चन, डैश नंबर ऑफ कॉलम्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इन ए टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट दे टेबल दे विच किन्ने नंबर ऑफ कॉलम इंसर्ट नहीं किते जा सकते? तो जो आप MS वर्ड दे विच कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं तो उस दे विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ने वो इंसर्ट किते जा सकते हैं जी 63। तो इहदा आंसर की होगा 73, क्योंकि 63 इंसर्ट किते जा सकते हैं तो 43 और 53 तो ऑटोमैटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा जी 73। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड बाय अवेलेबल एंड बाय टाइपिंग, MS वर्ड के मैक्सिमम फॉन्ट का साइज़ कितना हो सकता है अवेलेबल साइज के या बाय टाइपिंग? अपन डायरेक्टली ऊपर टाइप करके देख सकते हैं तो अपन को पता जी मैक्सिमम साइज़ बाय अवेलेबल 72 होंगे पर बाय टाइपिंग साइज़ होएगा जी 1638 1638। तो इसका आंसर है जी 72 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन।